जरूरत इजाद की माँ है। हमारे हुक्मरानों ने NRO, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और तौहीन अदालत कानून की इजाद करके ये बात साबित कर दी है। पार्लियामेंट में क्या क्या नई इजादात हो सकती हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, अलबत्ता अगर पार्लियामेंट को ही री इन्वेंट कर लिया जाए तो टिकेट ड्रामा शुरू हो गया है। PIA को अगर री इन्वेंट किया जाए तो मुसाफिरों को बर वक्त कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाएंगे? नेक्स्ट पैसेंजर। इसे मजबूती से पकड़ लें। देखा, अब हुआ ना बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। वैसे बल्ब आजकल बेकार हो गए हैं क्योंकि ताहाल ऐसी लोड शेडिंग री इन्वेंट नहीं हुई जो बल्ब जला सके। वैसे अगर बल्ब ही री इन्वेंट कर लिए जाएं तो हाँ भाई ठंडे तो है ना। हाँ जी बिल्कुल ठंडे हैं। एक कर दो। सीए जनाब मजे ले मजे। बल्ब कोला आ गया, बल्ब कोला आ गया। रीइन्वेंटेड डॉक्टर्स कैसे होंगे? जितनी महंगाई है पौधे भी रीइन्वेंट करना पड़ेंगे। हुकूमत को रोजाना जितना कर्जा लेना पड़ता है इस हिसाब से ऐसे पौधों के कई बाग रीइन्वेंट करना पड़ेंगे। आजकल चोरों को चोरी करके भागना पड़ता है, अगर चोरों को ही रीइन्वेंट कर लिया जाए तो आए आए पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ, उसे पकड़ा क्यों नहीं? वो मैडम पकड़ता कैसे, मुंतखब नुमाइंदा है वो, उसके पास चोरी करने का लाइसेंस था। पुलिस स्टेशन को अगर री इन्वेंट कर दिया जाए तो वो कैसा होगा? चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकनक नजरा रस नहीं नहंदा चकना। चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकनक नजरा रस नहीं नहंदा। अगला मुजरिम लाओ भैया, नीचे करो, इसको नीचे करो। वो एक सवाल करना था। अली बाबा 40 चोरों से पैसा कौन निकलवाएगा? एक शख्स जिसका नाम है इमरान खान। ये तो नून लीग का जलसा है। नवाज शरीफ, वो मेरा गला खुश था इसलिए मेरे मुंह से इमरान खान निकल गया। एनु ठंडी बोतल पियो जरा। बोतल आ रही है। आप बोतल लेके आए जी? कौन सी? कोका कोला। एक मिनट, वो खादिम आला साहब, ये बोतल वाला ऑर्डर कैंसिल करवा दें, आपने मुझे यंग डॉक्टर समझ रखा है। वैसे यंग तक तो ठीक था। खुदा हाफिज। एक मिनट ठहरो भाई, वो मुझे क्लोजिंग कर लेने दो। नाजरीन, मैं टीवी से मैं हूँ, भागो नवाब। सुनो शान से अस्सलाम वालेकुम, और आइए जरा अपने उसी रवायती अंदाज में इतना गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि सबको होश आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस, और इन चीज़ों को समझना है और देखना है कि जो करप्शन इन चीज़ों में होती है इन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। उनके केस को जल्दी से जल्दी होगा जब आपका दिल दिमाग और ज़ुबान तीनों मुनव्वर होंगे उसके नाम से, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। चलो
चलो उठो, शो खत्म हो गया, चलो उठो उठो। चलो भाई उठ जाओ मदीहा। क्या शो खत्म हो गया? जी हाँ, रोज तुम्हारा यही एक डायलॉग होता है पूरे शो में। चले जी बंद करो सब कुछ, बैकअप। सुनो जान से। हुकूमत ने कहा है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। वो साजिश क्या है? यही कि हुकूमत किसी तरह 5 साल पूरे कर ले। 1326 1327 तुम किस बात की मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हो? वो जी सारा महकमा मुझे नायल कहता है, मिठाई मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि मैं अकेला ही नायल नहीं हूँ। सिला तुमने कभी योगा की? फिल्मी योगा की होगी, मैं तुम्हें सियासी योगा दिखाती हूँ। ये बड़ी कदीम एक्सरसाइज है। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता, फिर भी मारूजी हकायक के मद्देनजर आपकी बात पे हमें तहफ्फुज़ात हैं। जी मेरा ख्याल है योगा ही शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले पेट के बल उल्टा लेटना है, अपने सर को थोड़ा ऊपर उठाएं और पीछे से अपने टांगों को थोड़ा ऊपर उठाएं, दोनों बाजू को पीछे ले जाकर अपने पैरों को टच करना है बस। हजरत गरामी, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं, हसूली तौर पर देखते हैं चौधरी साहब कैसे करते हैं। बेटी भाजी, अगर ये मुझसे और मौलाना साहब से नहीं हो रहा है तो मुझे ये तरीका ही ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैं भी तो कर रहा हूँ। हजरत करामी, असूली तौर पर हमें आपकी बात से खफी और जली दोनों इख्तलाफ हैं, ताहम मैं आपको बताता हूँ योगा का आईनी रास्ता क्या है। ऐसी कोई बात नहीं, योगा दरअसल वर्षों का कौमी तहद है, तरीका मैं बताता हूँ। हजरत गरामी, सबसे पहले आप यूं बैठें कि खड़े भी हो और बयक वक्त बैठे भी हो, पेट को ऐसी हरकत दें कि कभी लगे आप हुकूमत में और कभी लगे आवाम में से। तहतर के आइन के तनाव चौधरी साहब, ओ अमलाना साहब, अब मुझे खोल तो दे, देखिए आप किधर जा रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा है कि गेलानी साहब को आइंदा इंतखाबात में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सिला वो जिम्मेदारियां क्या होंगी? उसे पूछो, मैं बताती हूँ। अहम जिम्मेदारियां होंगी जैसे दीवारों पे पोस्टर चिपकाना। खंबे पे चढ़कर बैनर बांध रहे होंगे। इलेक्शन वाले दिन माथे पर पीपल्स पार्टी वाले झंडे की पट्टी बांधकर वोटर्स को पानी पिला रहे होंगे। बिल्लू कोई अहम जिम्मेदारी बताओ। अहम जिम्मेदारी ये होगी सड़कों पर। वजीरे खजाना ने कहा है कि महंगाई में कमी हुई है। महंगाई में कमी हुई है? वो गलत कह रहे हैं। ओहो, वो ठीक कह रहे हैं। पूछो भला कैसे? कैसे भाई, हुकूमत को महंगाई बढ़ने की जितनी तवक्को थी ना, उतनी हुई नहीं है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। शेख मुझसे बोला इकॉनमी वीक है बड़ी, इससे हुकूमत हिलती है मेरी,
अम्र की मदद का गाना तो निकला केवल अल्लाह 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 अल्लाह।